हम लोग यहाँ पर जो किंग्सवे एरिया है वहाँ पर आ गए। अभी मजा आ रहा है ठंड में? बहुत ठंड बढ़ गई है, आज बहुत तगड़ी स्नोफॉल के भी प्रेडिक्शन है ना, तो यही शुरुआत है। और बादल देखो कैसे जा रहे हैं। हम लोग ये जॉली बी करके जो है ना यहाँ जा रहे हैं देखते हैं क्या है। ये स्टेक है विद मशरूम्स एंड ऑल। हम लोगों ने अब खा तो लिया है, अब हम लोग यहाँ से सीधा वॉलमार्ट जा रहे हैं। हालांकि और चीज़ें भी लेनी थी, बट जिस तरह से मौसम हो रहा है अभी उसमें हमें लगता है कि वॉलमार्ट जो सबसे ज़रूरी है उसको देख आते हैं। एटलीस्ट कुछ लें ना लें बट सामान तो देख ही है कि कितने का मिलता है। बड़े यार मज़ा सा नहीं आया इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई वॉलमार्ट की, क्योंकि जो ऑनलाइन जितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज दिख रहा था यहाँ आने के बाद तो चीज़ें ऐसे मतलब ज़्यादातर चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं थी, किसी भी काउंटर पर अवेलेबल नहीं थी। बार बार जाके पूछते रहो लोगों से, प्रोडक्ट लगभग सारे ख़त्म थे, और अगर थे तो सेल डिस्काउंटेड डिस्काउंट्स होते वो सारे ख़त्म थे, तो मज़ा नहीं आया। पूजा की फेवरेट जगह आ गई। हाँ जी, अब शायद मेरा मूड थोड़ा ठीक होगा। चलो, अभी तक तो बहुत स्पॉइल्ड। बर्फ तोड़ने के लिए अभी ग्रिप बनी रहे ना। कैसा लग रहा है? अच्छा, फिलहाल कैदी कैदी फील कर रही हूँ। DKNY का है ना ये? कितने का है? कितना प्रिंटेड, कितना -30 degrees इसकी रेटिंग है, -20 सॉरी 300 और 60% ऑफ है, मतलब 130 का पड़ेगा। बर्फ गिरने लग गई है भाई। बर्फ गिरने के बाद ठंड कम हो जाती है। हाँ सही है वैसे, बट हवा चलेगी तब बहुत होगा। अब निकलते हैं वापस, आज का दिन थोड़ा कम सक्सेसफुल रहा। ये वाले बस स्टेशन पे आ गए हैं, क्योंकि ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो पैदल जाने का सोच नहीं रहे हैं। और इस तरह से देखो, ये स्टॉप है, स्टॉप का नंबर लिखा हुआ है, हमें 8 की बस पकड़नी है यूनिवर्सिटी वाली। और ये यहाँ पर इस तरह से बस स्टॉप बने होते हैं, तो आप नीचे जाके आराम से अंदर से बैठ सकते हो। चलो चलो वहाँ जाना है। प्रेडिक्शंस वगैरह जो आ रहे थे कि बर्फ शुरू हो जाएगी आज शाम से, वो सच निकले, बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। तो और अगले आई थिंक 24 घंटे के आसपास, 24 घंटे कंटिन्यू ये बर्फ गिरने वाली है। पक्की बात है कि एक्यूमुलेशन तो हो जाएगा, ठंड तो काफ़ी बढ़ गई। अभी -4 दिखा रहा है, फील्स लाइक -12, -13, फील्स लाइक जो टेम्परेचर होता है ना वही यहाँ पर मैटर करता है। तो भाई लोग, आज है 30 November, और जैसा आपको बताया था कि घर फाइनल किया था हम लोगों ने, तो अब 1 November से हमारा वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो 30 November आज हमें बुलाया गया है, अपॉइंटमेंट लिया है हम लोगों ने कि जाके अपनी कीज़ ले लें और एक बार घर देख लें मूव इन होने से पहले, अगर कोई इशू है तो बता दें। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, क्या टाइम हुआ है, 9:53 हुआ है, और जो टेम्परेचर है बाहर का वो इस टाइम -17 -18 के आसपास है, और फील्स लाइक जो टेम्परेचर है वो -26 के आसपास है। और जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई है पिछले 3 से वो होती ही जा रही है। बस आपको पता नहीं इस तरह से सही दिखाई देगा कि नहीं, बट
ये देखो ये पाउडर जैसा उड़ रहा है ना, जैसे अपने यहाँ बारिश होती है हल्की हल्की होती रहती है उस तरह से ये इस, अरे अब तो काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है भैया। ऐसे ही मौसम में हमें अभी निकलना है, तो जितना भी कवरिंग हो सके आज वो सारी पहन के जानी है, तो ग्लव्स और हुड और सब कुछ, अपनी रशियन कैप वगैरह ये सब लेके जाएंगे। घर में एक बैग रख के आ जाऊंगा, जिस बैग में जो सामान है वो यहाँ यूज़ नहीं होता है, अभी तक खुला नहीं है बैग, तो फिर यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे सामान शिफ्ट करना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है उस जगह का, लेट्स गो। क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और पिछले 3 दिन से पड़ रही है, तो जो नीचे वाली बर्फ़ है काफ़ी हार्ड हो गई है, इसका मतलब है कि चलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो आपको मैंने डे वन दिखाया था, ये क्लीट बोलते हैं ऐसे, इसमें ये इस तरह के स्पाइक्स होते हैं, इसको शूज़ में लगाना होता है, तो वो लगाना ज़रूरी है। इसका साइज थोड़ा छोटा ही लिया जाता है, जैसे कि जूते में एकदम टाइटली ये सेट हो जाए, क्योंकि अगर सेट नहीं होगा अच्छे से तो फिर वो भी निकलता ही रहेगा, तो वो नहीं चाहिए। इस तरह से पहले आगे फंसाना है, ये देखो ऐसे बढ़िया सेट हो जाएगा, उसके बाद इसको पीछे खींच के इस तरह से ये प्रॉपर अपने को बनाना होता है। ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। हम लोग अब इस सफ़ेद समंदर में बाहर निकल चुके हैं, बट जिस तरह से हम लोगों ने ड्रेसअप किया है ना, कि -20-25 जो भी है वो फील नहीं हो रहा है, -26 ना, ये बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही है इस टाइम, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि हवा भी नहीं चल रही है, अभी हवा रुक गई है, हाँ थोड़ी अब चलने शुरू हो गई, बर्फ़ अभी भी गिर रही है, सफाई हो रही है। और यहाँ से और जो क्लीट्स जो जूते में लगाए थे उसकी वजह से चलना तो एकदम ऐसे लग रहा है मक्खन, कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही है, अभी नॉर्मल जूते होता तो पक्का यहाँ पे चल रहे होते। तो यहाँ से 20 मिनट अभी चलना है हमें अपनी जगह पर पहुँचने के लिए, रॉजर्स के सामने हम लगा गए हैं, रॉजर्स से लेफ्ट लेंगे फिर सीधे ही चलते चले जाना, तो हम अपने SP में पहुँच जाएंगे। मेरी तरफ करो, मेरी तरफ, हमारी तरफ जो अपने रूम से भी दिखाई देती है, कितनी सुंदर हो गई है, कितनी सुंदर हो गई, सब में वाइट वाइट बर्फ ऐसे फंस गई है ऐसा लग रहा है। और वो जो घड़ी है वो एकदम ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिलाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो सैंक्टम है उसमें ऊपर नहीं ऐसे लगा हुआ है, न्यूयॉर्क सैंक्टम। मज़ा आ रहा है भाई, अगर ये ही ऐसे ही माहौल रहने वाला है एक्सट्रीम, मतलब और अभी एक्सट्रीम आएगा उसमें, तो आई थिंक थोड़ा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, पैदल ऑफिस जाने का अगर रहा तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि क्लीट तो बहुत ही शानदार चीज़ निकली। बस 15 मिनट चलने के बाद पहुँच गए हैं अपने एरिया में, ये यूनिटी स्क्वायर ओलिवर विलेज नाम था इसका पहले, अब यूनिटी स्क्वायर है, यहाँ पहुँच गए, अब चलते हैं, वो रही अपनी बिल्डिंग। तो हम लोग अब आ गए हैं इस घर में, सारी फॉर्मेलिटी वगैरह जो थी वो सब हो गई पूरी, अब आपको दिखाते हैं घर। ये देखो ये पूरा लॉबी एरिया है कॉमन वाला, तो ये सारे घर हैं, ये पूरा अच्छा खासा बना हुआ है, 230 ये अब हमारा है रेंट पे, मतलब। तो जैसा आपको बताया था ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट में यूजुअली होता क्या है कि एक ही पूरा होता है एरिया, अलग से रूम नहीं बना होता है उसमें, किचन वॉशरूम वगैरह सब अलग से बना होता है, बट लकीली हमारा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसमें एक रूम भी बना हुआ है। चलो देखते हैं, एज यूजुअल जेट नहीं है बट हमारे पास टॉयलेट पेपर लटकाने के लिए ये है, और एक मग रख लेंगे एंट्रेंस में, अपोजिट साइड में वॉशरूम के अपोजिट साइड में एक क्लोजेट है, स्टोरेज वाइड है, काफी बड़ा स्टोरेज है, काफी बड़ा वार्डरूम है। अरे शिट यार, यू कैन सी हाउ मच बिग इज, अपने को डोरमैट खरीदनी पड़ेगी यार, ये देखो बर्फ पिघली अब मेरे मोजे गीले हो गए। ओह यस, कोई नहीं, थोड़ा सा और आप चलोगे तो यहाँ दो डोर हैं, ये वाला जो डोर है दिस इज अनदर वार्डरूम, अच्छा खासा बड़ा स्टोरेज, वो भी 4 शेल्फ वाला, मतलब इट्स लाइक तुम छुप जाया करो यहाँ पर, फिर मैं ढूंढा नहीं करूंगा,
कंजरिंग लोगों की नजर अभी यहाँ ज्यादा नहीं जा रही होगी, ज्यादा ज्यादा लोग तो वहीं देख रहे होंगे कि क्या मस्त दिख रहा है। अभी देखते हैं, ये काफी बड़ा है रूम, वीडियो में उतना नहीं पता चल रहा है। हमारे ख्याल मेरे ख्याल से बेड रखने के बाद भी एक टेबल और चेयर की जगह बचेगी। लेट्स सी, जब सेट करेंगे तब भी आप देखोगे। आ जाओ सो लियो अगर। उसके बाद थोड़ा हम इधर आएंगे। अच्छा, किचन से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस डिशवॉशर सेक्शन। ये हमारी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है विद ड्रायर। तो इसी की बात मैं कर रहा था, इन स्वीट लॉन्ड्री जो होती है वो ये होती है। इसमें हमें कहीं भी नहीं जाना है अपने कपड़े लेके, नहीं तो जैसे आपने मे बी फ्रेंड्स या किसी और शो में भी देखा होगा कि वो लोग लॉन्ड्री के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, कई सारे लॉन्ड्री मशीन होती हैं, तो वो सिस्टम यहाँ भी है। उसमें पे वगैरह कॉइन वगैरह डालना होता है, बट अपनी इन स्वीट लॉन्ड्री है। तो इन स्वीट लॉन्ड्री आपको यूजुअली थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। कुछ यहाँ भी है और यहाँ भी अपने पास अपना वैक्यूम क्लीनर या सफाई की सारी चीजें यहाँ रख सकते हैं। बड़ा सा फ्रिज दिया हुआ है दो लोगों के लिए, बहुत ही स्पेशियस है। उसके बाद ये माइक्रो, बहुत बड़ा माइक्रोवेव है, इस प्लस एग्जॉस्ट चिमनी। हाँ, ये जैसे हमारे सर्विस अपार्टमेंट भी है, उसी साइज का माइक्रोवेव है, छोटा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे वहां भी था, तो अगर ये फैन दबाओगे तो इसके नीचे ही चिमनी है। तो ये शायद अपने इंडिया में अगर कोई देख रहा हो तो ये टेक्नोलॉजी पता नहीं अभी आई है कि नहीं आई, क्योंकि हमारे में चिमनी ही पूरी इतनी जगह घेरी रहती है, माइक्रोवेव कहीं साइड में रखा रहता है, तो ये सब चीज एक जगह भी हो सकती है। ये हमारा कॉइल वाला इंडक्शन है और दिस इज अवन, पूजा का न्यू फेवरेट। दिस इज लाइक, मतलब मैं इतना टेस्टी खाना बनाने लग गई हूँ आजकल, पूछो मिश्ते। एंड थैंक्स टू अवन। ऑल ये हमारा डीजे का बोर्ड आ गया। अच्छा, ये सारे शेल्फ हैं, बहुत सारा स्टोरेज है, जितना भी स्टोरेज है यहाँ पर हम अपना सारा सामान रख सकते हैं। और अपना एज यूजुअल यहाँ पर दो पार्टीशन वाले अपने, अब तो हर जगह का ट्रेंड है। दिस इज अनदर वन, ये हमारा डिशवॉशर है, बढ़िया है। ये हमारा सामान फैला हुआ है अभी। ये हमारी टेबल है, डाइनिंग टेबल है। दिस इज आवर लिविंग स्पेस। और ये हम अपना व्यू, ये लैंप वगैरह सब हैं। ये हमारी विंडो है जो खुल सकती है, जो खोलनी नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है, -25 हो रखा है अभी। और ये हमारा अगले कम से कम एक साल का व्यू है ये। और ये हमारी बहुत ही बड़ी बालकनी है, यहाँ पर अगर बारबेक्यू वगैरह सेट करना हो तो वो पूरी सेटिंग उन्होंने वहां लगाई हुई है, हुकअप बोलते हैं उसे, बारबेक्यू हुकअप, तो वो भी है वहां पर। ये हमारे हिमाचल वाले पहाड़ हमारी नजरों के सामने रहने वाले हैं। आपको शायद स्नोफॉल होता दिख भी रहा होगा, पेड़। हाँ, आपको स्नोफॉल होता दिख भी रहा, थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। बस इतना ही। और ये देखो, स्नोफॉल होती शायद दिख भी रही होगी आपको। तुम्हारे मुंह से हवा निकली। मेरे मुंह से भी भाप निकल आई। बंद कर। हमने इसको इतना अर्जेंटली इसलिए बंद किया है क्योंकि बॉयलर पे इम्पैक्ट आता है। ये हमारा हीटिंग का सब तामझाम पूरा लगा हुआ है, वो थर्मोस्टेट था। तो भाई ये है हमारा घर जो अब हमारा हो चुका है, मतलब रेंट पे ऑब्वियसली। 30 तारीख है, हम लोग अभी एक सामान रख देंगे यहाँ पर क्योंकि धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। बट हमारे जो सर्विस अपार्टमेंट है वो 10 तारीख तक है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। अपना वीकेंड भी आएगा अभी 3-4 तारीख को, तब काफी कुछ सामान शिफ्ट कर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे।